स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए पंडरीपानी और कोटपाल गांव में कई घरों को तोड़ दिया गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर बिना मुआवजा दिए घरों को तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों के साथ सर्व आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है कि स्लरी पाइपलाइन का काम बिना ग्राम सभा की अनुमति के किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। अब तक ग्रामीणों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। बता दें कि पूरे मामले को लेकर कमिश्नर ने जांच की बात कही है। इसमें जब पाइपलाइन का जब सर्वे हुआ होगा तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है सर्वे तो आया रहा होगा और उसमें कुछ प्राइवेट लैंड भी आया है, गवर्नमेंट लैंड भी आया होगा। मुआवजा का तय हुआ है ऐसा मेरे बताया गया था। अब ये घरों का जो टूटने की बात आ रही है ग्राम नागर जोड़ी और कोटपाल का, मैं कल अपने अधिकारी की टीम भेज करके वहाँ पे कल पूरा परीक्षण करवाऊँगा। जो सलरी पाइप जा रहा है उसमें जो है ना, ये पंडरी पानी के और कोटपाल के ग्रामीणों का जो सर्वे में मकान आ रहा है, कई मकानों को तोड़ दिए उन लोगों ने और मकानों को तोड़ने के लिए ग्राम सभा का कोई परमिशन नहीं लिया गया और ना ही मकान मालिकों को ना उसकी सूचना दी गई और इस प्रकार जो है ना वहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम चालू किए हुए और जिससे जो है गांव वाले मकान टूटने के बाद वो कहाँ जाएंगे उसकी चिंता जो है ना सरकार को है, ना NMDC को है, ना किसी को। लोग हैं, बसावट है, उनको ना मुआवजा दिया गया है, ना किसी प्रकार की कोई आकलन शासन प्रशासन द्वारा, ना ही NMDC द्वारा की गई है, जबकि पुनर्वास नीति का सबसे पहले उसका पालन होना चाहिए, उसके बाद ही विस्थापित किया जाना चाहिए। हमने देखा कि कंपनी के जो निर्माण मशीनरी द्वारा 2-3 मकान को तोड़ दिया गया और अभी जैसा कि कमिश्नर साहब को बताया गया है प्रभावित परिवारों द्वारा कि हमें एक हफ्ता का ही मौका दिया गया, मोहलत दिया गया, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। इसमें जब